ये पे इलेक्ट्रिक की तरह हैज को यहाँ पर एक्स्ट्रा बिलिंग करके आपको मजबूर करती है कि ये आप बिल पे कीजिए, और अगर आप बिल पे नहीं करते तो वो रातों को बाकायदा पूरी टीमें लेकर, यानी एक तरीके से हुंडू की टीमें लेकर के वो डंडों के साथ इलाकों के विजिट करते हैं और इलाकों के लोगों के कनेक्शन काट देते हैं। अगर आपके यहाँ, मुझे यहाँ लोगों ने बताया कि अगर ट्रांसफार्मर जल जाए या ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आ जाए और अगर आप कंप्लेंट कीजिए तो ट्रांसफार्मर उतार के ले जाएंगे और ट्रांसफार्मर दोबारा उस वक्त लगेगा जब इलाके के लोग कलेक्शन करके उस ट्रांसफार्मर की फीस अदा करेंगे। ये शहर हमारा है, ये इदारे हमारे हैं, लेकिन जो रवैये हैं उससे ऐसा लगता है कि हम इन शहरों के अंदर अजनबी या गुलाम हैं और हम पर कोई और हुक्मरानी कर रहा है। यहाँ हम महकूम कौम की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं कि जो हम पे जो टैक्सेस मुसल्लत करना चाहे, जो हमारे साथ ज्यादती करना चाहे वो करके चला जाए। हमने अपने लोगों से मशवरा किया है, यहाँ ताजिर बिरादरी से जब हमारी मुलाकात हुई उनसे हमने मशवरा किया है और हमने ये फैसला किया है कि हेस्को की इस बदमाशी के खिलाफ महाजन कौमी मूवमेंट अपने लीगल जो टीम है उससे मुशावरत के बाद कानूनी चाराजोई करेगी। और उस सिलसिले में मैंने अपनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को हिदायत की है कि वो इस शहर के लोगों से रब्ता करे और जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई है उन लोगों की एप्लीकेशन जमा करें ताकि उनकी एप्लीकेशन की बुनियाद पर हम अदालती कार्रवाई कर सकें। इसलिए कि इस तरह शहर को लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता, हैस्को की गुंडागर्दी पर खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। हैस्को जिसको चाहती है मनमानी बिल हाथ में थमाकर मजबूर करती है कि वो पे किए जाए, और अगर वो बिल पे करने की पोजीशन में कोई ना हो तो हुंडों के साथ डिस्कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन को आ जाते हैं। पीएमटी अगर खराब हो जाए तो उसके पैसे वसूल किए जाते हैं। जब हम सर्विसेज चार्जेस दे रहे हैं, जब हम तमाम बिल पे कर रहे हैं, तो किसी भी फॉल्ट को दूर करने की जिम्मेदारी तो इदारे की है। अगर वो फॉल्ट दूर करने के लिए भी हम पैसे देंगे तो फिर हम बिजली के बिल और सर्विसेज चार्जेस किस बात के दे रहे हैं? हमें इस पर कानूनी कार्रवाई करनी है। उसके लिए हमने अपनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, अपने जिम्मेदारों को हिदायत की है कि वो जो विक्टम्स हैं हैस्को के उनसे रब्ते करें और उनके बिल और उनकी एप्लीकेशन कलेक्ट करें। इंशाल्लाह ताला हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे।